अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन किया, उन पे झूठा केस लगा के उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं ईडी वाले। अब केंद्र सरकार ने पूरा मन बना लिया है कि किसी तरीके से भी बाय हुक बाय क्रुक आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का एकमात्र उद्देश्य यही है कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को खत्म किया जाए। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन किया, उन पे झूठा केस लगा के उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं ईडी वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले। पर मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं कि हम जेल जाने से नहीं डरते, हम उनके झूठे केसेस से नहीं डरते, हम देश के लोगों के लिए, देश के हर आम आदमी के लिए काम करते रहेंगे। बात सबको मालूम थी कि देश के लिए आपको सर्वोच्च बलिदान देना पड़ेगा और मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि आपको देश की खातिर सब कुछ देना पड़ेगा। और हमारे नेता हूं या कार्यकर्ता हूं, जेल जाने से कोई नहीं डरता है। थोड़ी देर पहले यह खबर आई है कि ईडी ने श्री अरविंद केजरीवाल जी को समन किया है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का एकमात्र उद्देश्य यही है कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को खत्म किया जाए। पहले उन्होंने लीगल तरीके से चुनाव के माध्यम से खत्म करने की, रोकने की कोशिश की। जब से सत्ता में आए हैं, एक के बाद दूसरा इनका नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया। और आप पिछले 8-9 वर्षों की कड़ी एक के बाद दूसरी देखिए कि कैसे व्यापक भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से लेकर पंजाब तक किया है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन इस मामले में पहले से चली हुई है और स्वाभाविक है कुछ साक्ष्य इस प्रकार के होंगे जिसके कारण पहले सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया और उसके पश्चात अब ईडी ने समन दिया है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए।